बस्ती में महिला अस्पताल में खुला जन औषधि केंद्र डॉक्टरों की मेहरबानी से शोपीस बनकर रह गया है। जन औषधि केंद्र पर मिलने वाली मुफ्त दवाइयों की खपत बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों को मरीज की पर्ची पर दवाइयों के नाम की जगह सॉल्ट लिखकर देने के आदेश दिए थे, लेकिन महिला अस्पताल के डॉक्टर इस आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यहाँ पर जितने डॉक्टर हैं, डॉक्टर कोई हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है, यहाँ का कोई फार्मूला नहीं लिख रहा है। यहाँ पर जो भी लिखी जाती है सब ब्रांड नाम की दवाई लिखी जाती है, ब्रांड से दवाई लिखी जाती है और मरीजों को मजबूर किया जाता है बाहर की दवा लाने का। अगर यहाँ से हम कोई दवा दे दे रहे हैं फार्मूले पर, उसी फार्मूले पर, तो दवाई यहाँ आकर वापस करा दी जाती है कि यहाँ की दवाई काम नहीं करती। हम लोग CMS के पास भी कर चुके हैं कई बार और सभी डॉक्टरों के पास हम अपने हमारे पास जो भी दवाएँ उपलब्ध हैं वो ले जाकर डॉक्टरों को पर्चा बनाकर दे चुके हैं। एक बार नहीं, कम से कम 5-5 बार दे चुके हैं, फिर भी डॉक्टरों के द्वारा कोई भी दवा उसमें नहीं लिखा जाता है। अगर कोई दवा हम दे भी देते तो वापस करा दिया जाता है। तरह की शिकायत मेरे संज्ञान में अभी तक तो नहीं आई थी, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो इस संबंध में मैंने पहले भी जो है मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को जो है पत्र लिखा था कि कोई भी चिकित्सक बाहर की दवाएँ न लिखें और पुनः इसकी जांच कराई जाएगी। अगर इस तरह से कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। जेनरिक की दवाएं लिखें लोग, इसके लिए जो है हम पत्र लिखेंगे और मुख्य चिकित्सा अधिकारी से आवश्यक कार्रवाई कराने के निर्देश भेजा जाएगा। संबंध में जिलाधिकारी स्तर से भी मुख्य CMS की बात हो चुकी है, उस पर कार्रवाई करने के लिए जो है और ये कार्रवाई सुनिश्चित हो रही है। जिला प्रशासन भी इसमें सहयोग कर रहा है कि जो दलाल इधर उधर मरीजों को ले जाते हैं उन पर भी कार्रवाई की जाए। जिला प्रशासन